हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। बीजेपी को समर्थन के लिए क्यों पड़ती है दाती महाराज जैसे रेप के आरोपी बाबाओं की जरूरत? शिष्य से रेप के आरोप में प्रसिद्ध स्वयंभू दाती महाराज के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 376, 377, 354 और 34 के तहत केस दर्ज किया है। पीड़िता का आरोप है कि वो पिछले 10 सालों से दाती महाराज की अनुयायी थी। इस दौरान दाती और उसके चेलों ने बार बार उसका बलात्कार किया। दाती महाराज के कुकर्म की खबर सामने आने के बाद से सोशल मीडिया पर दाती महाराज की वो तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें वो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और आरएसएस चीफ मोहन भागवत के साथ नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में बीजेपी के दिग्गज नेताओं को कथित तौर पर बलात्कारी बाबा के आशीर्वाद लेते देखा जा सकता है। बीजेपी के जिन नेताओं की तस्वीरें दाती महाराज के साथ वायरल हो रही हैं, उनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का नाम शामिल है। इस फहरिस्त में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का नाम भी शामिल है। अभी हाल ही में बीजेपी ने संपर्क फॉर समर्थन अभियान के तहत रेप के आरोपी बाबा दाती महाराज से मुलाकात की है। बता दें कि बीजेपी 2019 लोकसभा चुनावों के मद्देनजर देश की जानी मानी हस्तियों से मुलाकात कर उनसे समर्थन की अपील कर रही है। इसी अभियान के तहत बीजेपी ने महासचिव रामलाल ने दाती महाराज के आवास पर उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद रामलाल ने फेसबुक पर लिखा, महामंडलेश्वर शनिधाम परमहंस दाती जी महाराज को केंद्र सरकार की विगत 4 वर्षों की उपलब्धियों वाली बुकलेट भेंट की। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप कहा, मोदी जी ने बेटी बचाओ व स्वच्छता के लिए अद्भुत कार्य किया है। हैरानी की बात तो यह है कि जिस दाती महाराज से खुद बेटियां सुरक्षित नहीं, वो मोदी सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की तारीफ कर रहा है। ऐसे में मोदी सरकार के बेटी बचाओ अभियान की हकीकत का अंदाजा लगाना मुमकिन है। ये कोई पहली बार नहीं है जब बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए इस तरह के बाबाओं के आशीर्वाद की जरूरत पड़ी हो। इससे पहले भी चुनाव में समर्थन जुटाने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता ऐसे बलात्कारी बाबाओं के आगे सिर झुकाते नजर आए हैं। बीजेपी नेताओं की कई तस्वीरें बलात्कार के आरोपी आसाराम और बाबा राम रहीम के साथ भी देखी गई। बाबा राम रहीम ने तो हरियाणा और महाराष्ट्र चुनावों में बीजेपी का खुलकर समर्थन किया था। बता दें कि हाल ही में जोधपुर हाई कोर्ट ने आसाराम को बलात्कार के एक मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं 25 अगस्त 2017 को पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को रेप केस में दोषी करार दिया था। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल माइंड द न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।